चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बेसन के पकौड़ी की कड़ी एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे चावल, चपाती, पराठे के साथ खाने में स्वाद का भरपूर आनंद आता है। इसे हफ्ते में एक बार अवश्य बनाना चाहिए। इसका बनाना बहुत आसान है। इसे अगर बहुत जल्द बनाना है तो हम पकौड़ी के स्थान पर पालक, रेडीमेड मोटे सेब, बूंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे बच्चे व बड़े बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। तो आइए आज हम बेसन के पकौड़ी की कढ़ी घर पर ही बनाएंगे और इसके स्वाद का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। पकौड़ी की कढ़ी चावल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। कढ़ी कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे पालक कढ़ी, सेब कढ़ी, बूंदी कढ़ी। तो आज हम पकौड़ी की कढ़ी बनाएंगे। इसकी सामग्री इस प्रकार है। बेसन 200 ग्राम, खट्टा दही अगर लेना है तो 200 ग्राम, छाछ लेनी है तो 500 ग्राम, लौंग 4-5, जीरा 1/4 चम्मच, मेथी दाने 1/4 चम्मच, सौंफ साबुत 1/4 चम्मच, हींग 2-3 पिंच, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, राई आधी चम्मच, साबुत लाल मिर्च 2 कटी हुई, नमक 2 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच, बेकिंग सोडा 2 पिंच, हरा धनिया 3-4 चम्मच कटा हुआ, देसी घी 2 टेबल स्पून, रिफाइंड तेल पकौड़ी तलने के लिए। अब हम बेसन को गोलेंगे। 1/4 बेसन बचाकर बाकी बेसन हमने इसमें निकाल लिया है। गोलने से पहले इसमें अजवाइन डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेसन को गोलेंगे। इस तरह से बेसन घोलेंगे गाढ़ा और इसे 2-3 मिनट फेंटेंगे, जिससे पकौड़ी अच्छी बने। बेसन हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और चेक कर लेंगे कि इस पकौड़ी को इस तरह से लेके कि पानी में तैर जाए, तैर के ऊपर आ गई है, बेसन तैयार है। इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। छाछ को बड़े बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे और बेसन डाल के हम रई से चला देंगे। इस तरह से घोल बनाने के बाद अब पकौड़ी सेकेंगे। बेसन अच्छी तरह से फिट चुका है। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम पकौड़ी बनाएंगे। इसे दोबारा से जरा सा फेंट लेंगे और इस तरह से पकौड़ी तोड़ेंगे। जितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब से तोड़ते जाएंगे। हल्के ब्राउन होने के बाद इन्हें पलट देंगे। गैस अगर तेज लगे तो गैस कम भी कर सकते हैं। ये तेज आंच पे ही सेकते हैं जिससे पकौड़ी अच्छी फूले। पकौड़ी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। प्लेट पर रख लेंगे। इसी तरह से बाकी पकौड़ियों को सेक लेंगे। कढ़ी की पकौड़ियों को ज्यादा डूबा में नहीं सेका जाता है। आधी पकौड़ी डूबे उतना तेल डाला जाता है।
पकौड़ी का तेल निकाल लिया है, अब हम इसमें कड़ी छोंकेंगे, घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा डालेंगे, लौंग डाल देंगे, हींग डाल देंगे, मेथी डाल देंगे, सौंफ डालेंगे, इनको भूजेंगे। गैस तेज लग रही हो तो कम कर देंगे। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, घोल घोला था दही का वो हम इसमें डाल देंगे, इतना पानी और डाल देंगे, 2 गिलास पानी। खोली आने तक चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कड़ी फट जाती है। कड़ी में खोली आ चुकी है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च डाल देंगे। इसको 15 मिनट तक गैस कम करके पकाएंगे। कड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, इस तरह से पकानी है, ज्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है क्योंकि पकौड़ी डालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें पकौड़ी डाल देंगे, पकौड़ी डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाते। अब इसे हम 2 मिनट पकाने के बाद बंद कर देंगे गैस। इसमें धनिया डाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब कढ़ी के लिए छौंक बनाएंगे, घी डालेंगे इसमें, घी गर्म हो चुका है, गैस को कम कर देंगे। इसमें राई डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, कड़ी में छौंक लगा देंगे। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़ी की कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे चावल चपाती के साथ परोसिए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।